तो कैसा लगा इन दो पुतलियों का नाटक है? बहुत अच्छा पुतली बाबा। एक बार फिर से नाटक दिखाओ ना पुतली बाबा। कल पुतली बाबा का नाटक फिर से होगा, इसलिए नाटक देखने जरूर आना, ठीक है? शिकार नजदीक आ रहा है। चुटकी अभी तक आई क्यों नहीं? नाटक शुरू होने वाला है। हाँ? ये कठपुतली तो बिल्कुल चुटकी की तरह लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। ये नाटक भी काफी लाजवाब था पुतली बाबा। मेरी बेटी इंदुमती ने आपके लिए स्वादिष्ट समोसों का इंतजाम किया है। वाह वाह, शुक्रिया। राजू चुटकी को नाटक के लिए बुलाने गया था और अब दोनों नहीं आए हैं। लगता है दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जोकर जैसी कठपुतली तो बिल्कुल राजू जैसी दिख रही है। ओहो, वही तो, सही कहा। अरे वाह वाह वाह, जुड़वा बच्चे, आओ मेरे पास आओ। पुतली बाबा, तुम तो बहुत दुष्ट निकले। बच्चों को प्यार दिखाकर उन्हें पुतला बना रहे हो। दुष्ट मैं नहीं, तुम सब बच्चे हो। मेरा मंच, मेरे पुतले सब खराब कर दिए। तुम सब मेरे ऊपर हंस रहे थे, तुमने मेरी कला का अपमान किया। और फिर मैंने ये सारी कमाई लेकर ये छड़ी हासिल की जो बच्चों को पुतला बनाती है। मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। कभी नहीं। चुटकी, राजू। वो रहा बुरा बाबा, एकदम आगे आगे। अरे चटनी तो ले जाओ। तुम्हारा नाटक अब खत्म हुआ पुतली बाबा। बला 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 बले रे 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 बला बला। लगता है उस्ताद को भोलू की बहुत याद आई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जांच रहा था कि ये अपना भोलू ही है या फिर ये कोई कठपुतली तो नहीं। ये चाहता है हम इसके साथ जाएं। बड़ी मुसीबत। डरो मत, हम मदद करेंगे। ये क्या? तुम्हें दोस्त मिल गए। तुम कौन हो? क्या हो तुम टूटे फूटे? टूटा फूटा नहीं, उल्टा पुल्टा हूँ मैं। उल्टा पुल्टा? पर तुम टूटे कैसे? अंगुली पहलवान हमारे पीछे था, हम जोर से कूदे लेकिन मैं टूट गया।
मेरी मदद करो, मुझे छोड़ दो। उल्टा पुल्टा, हम मदद करेंगे। और भीम के होते हुए कोई अंगुली पहलवान तुम्हें नहीं पकड़ेगा। प्रोफेसर, आप इसे जोड़ देंगे ना? बताइए ना प्रोफेसर। कोशिश करूंगा भीम। तो यहाँ छिपकर बैठा है तो उल्टा पुल्टा अंगुली पहलवान आ रहा है। आहा, पता चल गया, इसकी जादुई छड़ी इसके पास नहीं, इसीलिए ये टूट रहा है। ठीक कहा राजू, सिर्फ इसकी छड़ी इसे जोड़ सकती है। मेरी छड़ी तो खो गई कल रात। उल्टा पुल्टा, हम ढूंढ लाएंगे तुम्हारी छड़ी। जाओ ले आओ उल्टा पुल्टा को। क्या ये सब किसने किया? मैंने। कौन है तू लड़के? भीम, उल्टा पुल्टा का दोस्त। उल्टा पुल्टा को ले आ, वरना उसकी जादुई छड़ी तोड़ दूंगा। हमेशा के लिए। जब मैं बहुत छोटी थी माँ, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद दिलाओ। है? चांद तो एक ही है और वो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, यहाँ नीचे धरती पर नहीं आता। ला सकती हूँ, पर आज नहीं कल। ये ले चुटकी। तेरा चांद तेरे लिए नीचे आ गया। माँ ने पानी में चांद की छवि दिखाकर मुझे बुद्ध बना दिया और मैं खुश हो गई। एक चांद का किस्सा हमारे पास भी है और राजू को तो अब तक पता ही नहीं कि हमने कैसे उसका बुद्ध बनाया। क्या मतलब मुझे बुद्ध बनाया? कब, कहां, कैसे? हाँ क्यों भीम, बता दूं?
अब तो बताना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले मुझे जान चाहिए मेरी खिड़की में। ओहो बेटा राजू, चांद आसमान में होता है, तुम्हें नहीं मिल सकता। जब तक मुझे चांद नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा बेटा। अच्छा तो ये बात थी, मुझे बुद्धू क्यों बनाया? हाँ तुम्हारे भले के लिए, वरना तुम अपनी जिद में खाना खाती नहीं। इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे साथ शैतानी की ना तो देख लूंगा। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? आओ आओ, सिक्का डालो और तमाशा देखो। ये सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी सारे बच्चों को बाहर निकालो और अपना बायोस्कोप लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारे दोस्त कभी बाहर नहीं आ सकते, और अगर उन्हें बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके अंदर जाना होगा। मैं तो अंदर जाऊंगा पर तुम्हें भी साथ लेगा। तुमने यहाँ मेरे दोस्तों को देखा? ओ, ओ, ओ। भीम, मैं शौर्य हूँ और हम सब तमाशी लाल की बनाई हुई दुनिया में फंस गए हैं। ओ, ओ। कालिया, तुम, पत्थर, बाकी सब कहाँ हैं? चुटकी तो उस महल में कैद है। मैंने सुना है उस महल की रखवाली एक बहुत बड़ा शैतान करता है। मैं उस शैतान की चटनी बना दूंगा। शुक्रिया जग्गू। मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल, वो कहाँ है? Whoa!
अब बकबक बंद करो और सो जाओ। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है, सो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। भीम उठो, उठो भीम। कालिया, दरअसल मैं एक सपना देख रहा था जिस पे बुरी परी और चराकी ने कब्जा कर लिया था और देखते हैं
सबसे ज्यादा कौन अपने कछुए को छपकाता है? देखा? अच्छा अब ये देखो कालिया। मम्मी बुला रही है, पर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? कछुओं को खाना चाहती है। जल्दी से कछुओं को उनकी माँ के पास ले चलते हैं, वही एक सुरक्षित जगह बची है। दोस्तों चलो एक खेल खेलें। बढ़िया ध्यान बताया कालिया। बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से। चलो अब हम बाकी कछुओं को ले आते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा है, जितने आम तोड़ेगा उतने तेरे खेलने के मौके बढ़ेंगे। मैं पूरा पेड़ काली कर देगा, तुम बस इकट्ठा करो। ये हुई ना बात। भाग गए। अयो, मेरे को छोड़ के किधर जाता? अम्मा, भूत नहीं तो उसकी लंगोटी ही सही। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक किसी के आम चुराने की सोचेगा भी नहीं। हाँ। मलिराम इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो भीम, तुम अपने काम से काम रखो। मलिराम, गलती इसकी नहीं कीचक और मन्नू की है, उन्होंने काजू को बहला फुसला कर चोरी करने पर मजबूर किया है। गलती चाहे जिसकी भी हो, नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। अब जो भी मेरे हाथ लगा है सजा मैं उसी को दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आम वापस ला कर दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। तो फिर पहले आम ला कर दो, उसके बाद इसे छोड़ूंगा, और तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। हाँ, बेवकूफ कहीं का। बड़ा मजा आ रहा है ना,
क्योंकि चक तुम्हें इससे क्या है? हमें सिर्फ आमों से मतलब है। आम वापस करो सारे के सारे। क्यों? इन आमों पर नाम लिखा है क्या तुम्हारा? मेरा नहीं बल्कि मलीराम का। ये सारे आम उसके बगान के हैं। शर्म नहीं आती? मेहनत काजल की, नुकसान मलीराम का और मजे तुम लूट रहे हो। अच्छा ठीक है, एक मुकाबला कर लेते हैं, जो जीता आम उसी के। चुटके, हर बार की तरह इस बार भी कीचक आ रहेगा, देख लेना। मुमकिन कर दिखाया ना। चलो अब सारे आम वापस करो। चलो चलो जल्दी करो। ये लो मलीराम। अरे तुम्हारे आम और काजू को छोड़ दो। तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला बच्चे, याद रखना मेरी बात। ठीक है। शुक्रिया भीम, मैं तुमको दुश्मन समझा और दुश्मन को दोस्त। तुम ये समझ गए, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। काजू, चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना तो दोस्तों का और ना ही दुश्मनों का। आ चुटकी, मेरा अप्पा भी यही कहता। भीम, अब मैं तुम सब के साथ क्रिकेट खेलेगा, ढोलकपुर स्टाइल। ओह, ये क्या है? देखो, बेचारा घायल है। मुझे पता था एक दिन कोई आएगा। क्यों? उठ गए हो इस इंसानों की दुनिया से ना? देखना चाहते हो पिरानों का राज? तो ये लो मेरे दोस्त, अब तुम जिसको भी काटोगे हमारे जैसा ही बन जाएगा। चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। चोरी नहीं करनी चाहिए। अब मेरा पानी वापस भर के लाओ। क्यों कालिया? कमर टूटी नहीं अब तक? राजू, मैं तुम्हें बचा रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? चलो हट जाओ। एक को तो भगा सकते हो, लेकिन मेरी पूरी सेना का क्या करोगे तुम? हमला करो! सब पीछे रहो। मछली हो जो कल घायल थी। अरे मुझे क्या हो रहा है? राजू, जग्गू, जाल बना दो। We'll be right back.
तैयार हो? की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओए पिराना राजा, भीम कैसे फिर से हीरो बन गया?